तो करें स्टार्ट। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और करते हैं देखो। उसमें लास्ट वाले में एक में क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वहां पर मैंने सी को माइनस वन ले लिया था, वो सही कर लेना। लास्ट जो आंसर था ना उसमें 5 की जगह 13 आएगा। जैसे देखो क्वेश्चन है कि सॉल्व एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ फिर माइनस में 13 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू। जैसे ये क्वेश्चन है देखो, इसको हमें सोल्व करना। तो इसके लिए अब क्या करें, इस पूरे को एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी। ईच टर्म को क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। देखो इस एक्स स्क्वायर को और इसको, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। फिर इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख दिया। प्लस में 2x प्लस में 2 बाय तो बचा माइनस 13, उसको लास्ट में लिख। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 इंटू में एक्स प्लस 1 बाय फिर माइनस 13 इक्वल टू। तो आप समझ गए होगे क्या करना, तो लिखा मैंने एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस में प्लस में 2 इंटू में एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 13 इक्वल टू, ठीक है। अब इसको t अज्यूम कर लेते हैं। देखो लेट x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू, ये बन गया t स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 2t माइनस 13 इक्वल टू। और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इक्वल टू t स्क्वायर, इसके फैक्टराइज कर दिया इसको 5t माइनस 3t माइनस 15 इक्वल टू। देखिए पहले वालों में t कॉमन t प्लस 5, फिर बाद में माइनस का 3 कॉमन तो भी t प्लस 5 इक्वल टू, तो t प्लस 5 कॉमन दोनों में t माइनस 3 इक्वल टू, या तो t की वैल्यू आई माइनस 5 या फिर t आया। अब हमें तो x फाइंड करना था तो t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। t हमने अज्यूम किया था x प्लस 1 बाय x, ये 5 यहाँ पे x प्लस 1 बाय x इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन बनेगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू। इसका डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं, 25 माइनस 4 यानी 21, इसका डिस्क्रिमिनेट निकालने तो 9 माइनस 4 यानी 5, से तो x आएगा माइनस b, तो 5 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन में से x आएगा b प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में। तो ये चार आंसर्स होंगे।
है। इसे कोई डाउट इसमें बोलो। एक सेकंड, यहाँ पर माइनस फाइव था, देखो यहाँ माइनस फाइव था तो प्लस का फाइव, ठीक है, यहाँ प्लस फाइव होगा तो यहाँ माइनस फाइव, फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर से डिवाइड क्यों करा, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें और इस टर्म में कोफिशिएंट सेम थे, और इसमें और इस टर्म में भी कोफिशिएंट सेम है, यानी इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ कॉन्स्टेंट 1 है, इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है तो इसमें x का कोफिशिएंट, जब कभी इस टाइप की सिमेट्री बनती है तो उसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ही सोल्व करते हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर कैसे सोल्व करना पड़ेगा, फिर बहुत लंबा प्रोसेस है, क्या एक्स की जगह 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, उससे भी सोल्व होगा ही नहीं है कभी, क्यों? क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर सिंपल रैशनल नंबर नहीं है, यानी इस मेथड के अलावा इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, यानी ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं बट रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अरे होगा ही नहीं, 1 माइनस 1 कुछ भी पुट करने पे नहीं होगा, कब होता था? जब उसके वो जीरोज होते हैं, इसके जीरोज देखो कैसे हैं, आपको पुट करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, ये जो जीरोज निकाले ये पुट करने पड़ेंगे और ये माइंड में आएंगे नहीं हमारे, यानी इसका एक ही मेथड और वो यही है इस क्वेश्चन का, क्लियर है? मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं इसकी, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं कि सोल्व 7 की पावर 1 प्लस x, फिर प्लस में 7 की पावर 1 माइनस 2 50, जैसे ये क्वेश्चन इसको सोल्व करना है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं बट हम इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर देंगे, तो देखिए मैंने इसको लिखा 7 की पावर 1 × 7 की पावर, सेम इसको 7 की पावर 1 × 7 की पावर −2 7 × 7 की पावर x, इसको कर दिया 7 × 1/7 की पावर = 2, ठीक है, अब लेट 7 raised to power x = t, ये बन गया 7t + 7/t = 50, कौन से फर्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग किया है, ये 7 की पावर 1 प्लस x था तो उसको ऐसे कर दिया 7 की पावर 1 × 7 की पावर x, कर सकते हैं ना इसको, अब बेस सेम है तो ऐड होके तो यही बनेगा, तो इसकी जगह ये लिखा है, सिमिलरली इसकी जगह ये लिखा है, अब इसको एलसीएम लें तो 7t² − 50t + 7 = इसको वेक्टराइज करें तो देख 7t² − 49t, फिर −t − +7 = 7t common t − 7, −1 common t − 7, तो t − 7 ×
माइनस वन इक्वल टू, देखो या तो बनेगा टी की वैल्यू 7 बनेगी या फिर टी की वैल्यू 1/7, 7 की पावर एक्स इक्वल टू 7 या फिर 7 की पावर एक्स इक्वल टू 1/7। इसको तो लिख दिया 7 की पावर एक्स इक्वल टू 7 की पावर 1, इसको लिख दिया 7 की पावर एक्स इक्वल टू 7 की पावर माइनस। दोनों साइडों में कंपेयर किया तो यहां से तो बन गया एक्स इक्वल टू 1, यहां से बन गया एक्स इक्वल टू माइनस। तो यानी इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन कौन कौन से, एक तो x इक्वल टू 1 और एक है x इक्वल टू माइनस। आई होप ये क्लियर है आपको, समझ में आ गया हो। किसी को कोई डाउट इससे बोलो। सभी को क्लियर है? क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, तो ये देखो, ये तो हमने वो कर लिए जो क्वेश्चंस इस टाइप के थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी नहीं बट रिड्यूसिबल थे इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। या एक टॉपिक और है कॉमन रूट का, उसको और पढ़ लेते हैं। कॉमन रूट देखो, कॉमन ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनमें रूट्स कॉमन कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो एक रूट कॉमन होगा या फिर दोनों रूट कॉमन होंगे। तो फर्स्ट पहले पढ़ रहे हैं हम, जब एक रूट कॉमन है, वन कॉमन ठीक है, दो इक्वेशन होगी उनमें एक रूट कॉमन हो, ठीक है। यहां मैंने लिखा कि लेट अल्फा इज ए कॉमन रूट ऑफ ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने, ठीक है। दोनों में अल्फा एक रूट ऐसा है जो दोनों का है, यानी पहली इक्वेशन का भी और दूसरी इक्वेशन का भी। अब देखो, अल्फा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो बस पहली इक्वेशन में अल्फा पुट कर दिया, ए वन अल्फा स्क्वायर एक्स की जगह अल्फा पुट कर दिया, बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन में भी एक्स की जगह अल्फा कर दिया प्लस सी टू इक्वल टू। अब इसके बाद देखो, ये एक प्रोसेस है बेटा, अंशिका कैमरा में तेरा, अब एक ये प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करना है। देखो अल्फा स्क्वायर फिर अल्फा फिर वन। अब यहां से देखो, थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होगी, मैं इस इक्वेशन को यहां लिख रहा हूँ एक, फिर ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बी टू अल्फा प्लस में सी टू इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर के डिवाइड में लिखना है, अल्फा स्क्वायर के जब डिवाइड में लिखना है तो इसको छोड़ देना है, अल्फा स्क्वायर वाली टर्म इसको छोड़ दिया तो ये बचा। देखो अब कोफिशियंट लिखे जाएंगे, यहाँ पर कोफिशियंट लिखेंगे, देखो बी वन
बी टू, फिर सी वन, ठीक है। अब अल्फा वाली टर्म में अल्फा को छोड़ देंगे, तो छोड़ दिया देखो ये बचा, तो कौन यहां पर भी कोफिशिएंट लिखेंगे, ए वन ए टू सी वन, ठीक है। अब कांस्टेंट वाली टर्म में चले, कांस्टेंट वाली टर्म में इस कांस्टेंट को छोड़ दो, देखो क्या क्या बचे कोफिशिएंट, ए वन ए टू बी वन। समझ में आई इतनी बात कि जो हाँ ये वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना है यहाँ पे ये एक माइनस का साइन है, जो आपने उसमें पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वही चीज है। और इसके बाद क्या किया जाएगा, के बाद अब इसको ओपन करना भी आप जानते हो, आगे क्या लिखा जाएगा, बी वन सी टू माइनस का बी टू, ठीक है। फिर इधर अल्फा के डिवाइड में माइनस आया आगे, ठीक है, ए वन सी टू, फिर माइनस में ए टू सी वन, फिर वन के अपॉन में ए वन बी टू माइनस में ए टू। अब एक बार इन दोनों को इक्वलेंट करते हैं, देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन में बी वन सी टू माइनस में बी टू सी वन इक्वल टू अल्फा अपॉन में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए टू सी वन माइनस में ए वन, तो अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गई, अल्फा की वैल्यू आ गई क्या आई, बी वन सी टू माइनस बी टू सी डिवाइड में ए टू सी वन माइनस ए वन सी। एक बार इन दोनों को इक्वलेंट करते हैं, तो देखो अल्फा के अपॉन में तो ए टू सी वन माइनस ए वन सी, और वन के डिवाइड में आएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, यहाँ से अल्फा आ गया ए टू सी वन माइनस ए वन सी डिवाइड में ए वन बी टू माइनस में ए टू, अब इन दोनों अल्फा को इक्वल करना है, बी वन सी टू माइनस में बी टू सी वन डिवाइड में ए टू सी वन माइनस में ए वन, फिर ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू डिवाइड में ए वन बी टू माइनस में ए टू। बस इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहीं से जो भी रिजल्ट चाहिए होगा ना वो यहीं से मिलेगा, जो भी पूछा जाएगा वो यहीं से मिलेगा। ये प्रोसेस समझना है, इसको याद नहीं रखना कि ऐसे ऐसे प्रोसेस अप्लाई होगा अगर एक रूट कॉमन है तो। कोई डाउट इसमें इतने में, अब इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ मुझे ताकि ये चीज समझ में आ जाए पूरी। अरे माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना उसमें अल्फा के अपॉन में जो माइनस था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो माइनस था यहाँ ये माइनस था ना ए वन सी टू, तो ये माइनस का ए वन सी टू और ये वाला प्लस का हो गया, देखो यहाँ ए टू सी वन माइनस ए वन सी, चेंज कर दिया ना माइनस को,
उसमें इंक्लूड कर लिया आगे। देखो इस पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड के इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस प्लस सिक्स इक्वल टू एच वन। नहीं ये क्वेश्चन तो नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल मेथड से भी हो जाएगा, हम क्वेश्चन चेंज करनी पड़ेगी प्लीज, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये तो सिंपल मेथड से भी हो जाएगा। या पहले दोनों पढ़ लेते हैं, देखो सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, टू कॉमन रूट्स, तो दोनों पे एक साथ ही क्वेश्चन कर लेंगे, टू कॉमन यानी दोनों के दोनों रूट्स कॉमन। देखो पहली जो कंडीशन बताई ना फर्स्ट, उसका तो ये मतलब था, जैसे देखो एक इक्वेशन ये लिखी मैंने, इसके रूट्स तो क्या है x इक्वल टू टू कॉमन, एक इक्वेशन ये लिखी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स होंगे टू कॉमा वन। अब इसमें देखो इसमें टू है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी ये कंडीशन तो कौन सी, जब एक रूट कॉमन हो, ठीक है, ये तो होगी पहले वाली जो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट में। अब पढ़ रहे हैं कि दोनों रूट्स कॉमन, अब दोनों रूट्स तो कैसे कॉमन हो सकते, दोनों रूट्स तो तभी कॉमन हो सकते हैं जब वो दोनों इक्वेशन ही सेम है ना। जैसे मैंने एक इक्वेशन ये लिखी थी अभी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसके रूट है टू कॉमा थ्री, अब एक और इक्वेशन लिखूं देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व, रूट्स भी टू कॉमा थ्री होंगे, क्यों, क्योंकि इसी को तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को, ये और ये इक्वेशन है तो अलग अलग दिखने में, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन दोनों सेम ही है, अलग नहीं है ना, तो इन ऐसे में ही रूट्स को क्या होंगे, दोनों कॉमन होंगे, या फिर ये कह दें कि ऐसे में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म, इन तीनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, बस यही पढ़ना है हमें। लेट देखो इफ टू कॉमन रूट, टू कॉमन इन क्वेश्चन ए वन एक्स स्क्वायर प्लस में बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस में सी टू इक्वल टू जीरो, देन यानी अगर दो रूट कॉमन है तो क्या कंडीशन बनेगी। देखिए देन ए वन अपॉन इट इक्वल टू बी वन अपॉन इक्वल टू सी वन अपॉन, का मतलब अगर तीन रूट सॉरी दो रूट कॉमन है किसी इक्वेशन में तो उनके कॉन्स्टेंट टर्म्स सभी कोफिशियंट का रेशो और कॉन्स्टेंट टर्म का रेशो, ये क्या होगा, तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था जैसे उसमें था उसी टाइप से इक्वल हो, क्यों कोई डाउट इसमें बोलो। समझ में आ गया ना,
एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी, कितने स्टूडेंट हैं आज? 11, 11 भी नहीं, 10 है, नहीं 11 ही है। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास? बाकी स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम चल रही है? बच्चे क्लास में आ क्यों नहीं रहे ऑनलाइन में? चलो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, इससे आगे एक सेकेंड सर, और क्लासेस में तो बच्चे 50 होते हैं, वो सोचते होंगे कि यूट्यूब पर देख लेंगे। चलो ठीक है, यूट्यूब पर डालना ही बंद कर देंगे आगे से, कल से नहीं डालेंगे यूट्यूब, आज आज का लेक्चर डालेंगे और कल से नहीं डालेंगे।